नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिशा किचन में। और सुबह के जो कि 7 बज चुके हैं और आज है शनिवार, तो आज हम जा रहे बनाने दाल और चावल। तो दाल थोड़ा सा अलग टाइप का बनाऊंगी, रोज एक ही तरह का दाल खाते खाते घर वाले भी उग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चने का दाल लिया, इसमें मैं पपीता डाल के बनाऊंगी। ऐसे तो दाल में हम लौकी, पालक, कोहड़ा, कद्दू सब डाल के बनाते ही हैं, लेकिन जब पपीते वाला दाल बनाता था तो ये बहुत टेस्टी बनता है और मेरे घर वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इधर देखिए, एक चावल भी लिया, साथ में चावल भी बनाऊंगी। तो हमारे पेड़ में काफ़ी सारा पपीता हो गया, बहुत पक भी रहा है और बहुत कच्चा भी है। तो चलते पहले खेत से पपीता ले लेते हैं पेड़ से। और इधर देखिए, हमने चूल्हे में ईंधन को जला दिया, रख दिया भगोना और प्रेशर कुकर, एक में चावल बनाएंगे और एक में दाल बनाएंगे। तो चलते पहले पपीता तोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर दाल और चावल डालते हैं। तो दो पपीता देखिए हमारे घर के एकदम सामने ही है, इसमें काफ़ी सारा पपीता फरा हुआ था, बहुत सारा पपीता पक गया और बहुत सारा ख़राब भी हो गया था। चलते हैं आगे, चलते उधर से तोड़ते हैं पपीता। पपीता देखिए कि ये रहा, और ये भी देखिए थोड़ा हल्का हल्का पक रहा है, तो ऊपर का तोड़ेंगे, जो कच्चा रहेगा ये तोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कच्चा है। और पपीता का पेड़ तो ऐसे हमारे खेतों में बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत सारे पपीते भी फर रहे हैं और कुछ नए भी लगे हैं, वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और जब ये बरसात आएगा ना, तो पपीते जो है काफ़ी हमारे बड़े हो जाएंगे बरसात का पानी पाकर, तो बहुत सारे पपीता फरना शुरू हो जाएगा। तो देखिए पपीता मैंने तोड़ लिया, चलते हैं इसको लेके। पपीता लेके देखिए चूल्हे के पास आ गए हैं और इसको हम छील काट लेते हैं। और जब तक हमारा पानी भी गर्म जाता है भगोने का और प्रेशर कुकर का, तब हम दाल चावल डालेंगे। तो ये देखिए पपीता कितना अच्छा है और पका भी नहीं है, एकदम कच्चा है। इसको दो भागों में काट लेते हैं, छिलने में आसानी रहेगा। तो ये देखिए इसके बीज कितने सारे हैं, बहुत सारे बीज हैं इसमें, पहले एक भाग और काट ले रहे हैं। ये देखिए पपीते को हमने 4 भागों में काट लिया, इसका बीज निकाल लेते हैं और इसका जो अंदर का कुछ रहता है ख़राब सा, तो उसको भी खरोच लेंगे इस तरीके से। पपीते का देखिए हमने बीज जो कि निकाल दिया, इसको हम छील लेते हैं इसका छिलका। ऐसे तो छिलने से भी छिल लीजिए आसानी छिल जाता है, लेकिन मुझे पर्सनली तो सही लगता है, छिलने से भी थोड़ा बहुत छिलका जो रह जाता है इसमें तो कड़वा लगता था पपीते का जो छिलका होता है। तो पसूल की सहायता से हम अच्छे से पपीता को छील लेते हैं। पपीता को देखिए मैंने धो लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पर टमाटर मैंने प्याज भी लिया है, इसी के साथ डाल दूँगी दाल में, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब चाहे तो दाल और पपीते को पहले पका ले उसके बाद फिर तड़का लगाएं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी में डाल दे रही हूँ, ऊपर से तड़का लगा दूँगी कलछुल से। जो चने का दाल था मैंने यहाँ पर धो लिया है और इसको ढक्कन डाल दिया प्रेशर कुकर का। देखिए पानी भी हमारे उबाल आ गया है, इसको हम दाल जो धुले इसको डाल देते हैं इसमें। पानी में जब उबाल आता है ना, दाल बहुत अच्छा बनता है, पानी गुनगुना जाए तभी दाल डालें, तो इससे दाल जो बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो ये जो दाल धुले थे हम चने का, सारा इसमें डाल देते हैं। हम पपीता जो मैंने काटा था इसको भी डाल देते हैं साथ में ही। हफ्ते में हमें एक बार जरूर पपीता खाना चाहिए, उससे पेट बहुत अच्छा साफ होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए पपीता बहुत फायदेमंद है। पपीता डालने के बाद यहाँ पे देखिए 2 प्याज और 2 टमाटर काटे थे, इसको भी डाल देते हैं। इसका बीज देखिए मैंने निकाल लिया टमाटर का, काफ़ी लाल लाल टमाटर थे ये। और प्याज को भी डाल लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं नमक और हल्दी भी डाल देते हैं इसी का। तो नमक हम डाल दे रहे हैं स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। अब इसको देखिए चला देते हैं, चलाने के बाद जैसे कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी हम लगाकर दाल को पका लेंगे। दाल तो मैंने डाल दी, अब चावल भी डाल देते हैं। तो यहाँ थाली डालते हैं चावल का, और पानी देखिए इसका भी गुनगुना हो गया है, तो धुले हुए चावल को हम डाल देते हैं इसमें। और हम सोच रहे हैं कि सब्जी हम किस चीज़ की बनाएं, क्योंकि खेत में कुल्लू रखा चलते हैं, दाल चावल के साथ कुल्लू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो उसको बना लेते हैं। तो दाल चावल जब तक हमारा पके, चलते खेत में हम कुल्लू को तोड़ लेते हैं। आज धूप बहुत तेज हो गई है सुबह सुबह ही। ये देखिए कुंदरू काफी सारा फरा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं। ये गर्मी वाला कुंदरू लगाया गया था हमारे खेत में, हमारे पृथ्वी का सीटी भी लग रहा है, खेत में सुनाई दे रहा है, दाल हमारा पक रहा है। और तोड़ लेते हैं, देखकर देखिए इधर भी है बहुत सारा। और आगे चलते हैं, यहाँ देखते हो एक छूट गया, एक ये रहा, दो एक ये रहा और दो इसमें।
ये देखिए इस पर झमरे पर लगाया गया था, तो देखिए रहर का जो लकड़ी है ये गिर गया है। इस पर भी देखिए काफ़ी सारा कुनरू भरा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं। आंधी आई थी ना, उसी वजह से गिर गया था ये। और देखते हैं आगे। इतना सारा कुनरू हमारे खेत का निकल गया है और इतना दो लोगों के लिए बहुत है, तो चलते हैं इसको लेके। तो कुनरू को देखिए लेके चूल्हे के पास आ गए हैं और प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लग चुका है, दाल हमारा पक चुका है। इसको उतार लेते हैं कुकर को, बस चावल की चेक कर ले रहे हैं। तो चावल को चला देंगे और इधर लग रहा है इस पर रख देते हैं और चलते हैं सब्जी की तैयारी कर लेते हैं कुनरू बनाने के लिए। कुनरू को सबसे पहले धोएंगे। कुनरू को देखिए यहाँ पे मैंने धो लिया, इसका अदरकपन लोग हटाते हुए इसको हम इस तरीके से गोल गोल में काट लेंगे पतला पतला। और मैंने प्याज भी यहाँ पे छील के धुला है, इसको भी काटेंगे तड़का लगाने के लिए। तो कढ़ाई में देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और तेल अच्छे तरीके से देखिए गर्म हो गया, इसका धुआं भी जो कि निकल गया है। जब अच्छे तरीके से तेल डालो ना तभी तड़का लगाए, तो सब्जी का स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने कुनरू और बड़ी लिया हमारे घर का है, और देखिए थोड़ा सा मैंने जीरा लिया इसको डाल लेते हैं। ये कुनरू को तोड़ के डाल देते हैं बड़ी को, इसमें सारे मसाले और मिर्च मिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सूखी सब्जी में भुजिया में। और यहाँ पे देखिए लहसुन थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हमने, और इसमें डाल लेते हैं प्याज कटा हुआ, 3 मैंने प्याज काटे हैं उसको डाल देंगे। और एक हरा मसाला डाल लेते हैं। कुनरू की सब्जी डाल देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। इसको देखिए चला देते हैं और तड़का थोड़ा लाल कर लेंगे प्याज से। प्याज को देखिए हल्का सा इसको हमने भूना है, ज़्यादा नहीं भूना, यहाँ पे जलाया नहीं है। कुनरू के साथ हम पकाएंगे प्याज को, कुनरू को हम डाल दे रहे हैं कढ़ाई में, इसको चलाएंगे खुले में। थोड़ी देर तक हम इसको खुले में इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद सारे मसाले और नमक डालेंगे। कुनरू को थोड़ी देर भूनने के बाद सारे मसाले और नमक डाल देते हैं इसमें। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको डाल देते हैं। और डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीर रंग का पाउडर मैंने लिया 1/2 चम्मच, इसको डाल देते हैं। और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, उसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक यहाँ पे हम सब डाल दे रहे हैं और इसको चलाकर हम भून लेते हैं। तो दाल में हम तड़का लगा देते हैं। तो देखिए कलछुल में हमने सरसों का तेल डाल दिया, इसमें डालेंगे हम जीरा और तो इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। और यहाँ पर हरी मिर्च काटा है इसको डाल देंगे। लहसुन मैंने देखिए छिलके इस तरीके से काटा हुआ, इसको डाल देते हैं। अब बढ़िया से इसको लाल कर लेंगे तड़के को, तो इसको दाल में हम तड़का लगा देते हैं। क्योंकि देखिए मैंने लाल कर लिया, इसको पोंछ लेते हैं और इसको हम दाल में देखिए तड़का लगा देते हैं। और चला कर इसको हम ढक देंगे तड़के की महक के दाल में अच्छे से मिल जाए। और एक बार चलते हैं सब्जी चेक करते हैं। कुनरू की सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गया है और दाल चावल सब्जी बन गया। रोटी हमने पहले ही बना लिया था, तो खाना निकालते हैं इनको सुबह सुबह देते हैं खाने के लिए। तो थाली में निकालते हैं तो चावल देखिए हमारा ये नया चावल है, थोड़ा सा गीला हो गया है तो हमने ये नया चावल बनाया है। दाल निकालते हैं इनको खाने के लिए। ये देखिए चने का दाल हमारा पपीते से कितना बढ़िया बना है, इसको हम निकाल लेते हैं। और कुनरू की सब्जी निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सुबह सुबह का हमारा खाना देसी तरीके से कितना बढ़िया लग रहा है और सब सेहतमंद है दोस्तों, ताज़ा खेतों का है। और इस तरीके से पपीते वाला दाल बनाइए, गर्मियाँ आ गई हैं और पपीता पेट के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और कुनरू भी मार्केट में आसानी से मिल रहा है, तो इस तरीके से इसका भुजिया बनाइए दाल के साथ, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।